हेलो एवरीवन, तो बेसिक मैथ्स का डे टू लेकर के आ चुके हैं आप लोगों के लिए। और यहाँ पे अगेन हम लोग 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप देखने वाले हैं। ध्यान से बने रहना वीडियो में लास्ट तक। चलो देखो, इधर जो हम बताते हैं वो इनकरेक्ट स्टेप होता है और राइट साइड जो बताते हैं वो करेक्ट स्टेप होता है। स्टूडेंट कहाँ पे मिस्टेक करते हैं वो हम आपको बताते चलते हैं। चलो देखो, यहाँ पे अगर इस टाइप के आपके पास क्वेश्चंस है ना, और आप ऐसे अगर कट कर रहे हो 0 0 0 0 और फिर आप लिखते हो तो ऐसे 5 + 3 = 5/2, इसको ऐड करते हो 325 + 5 = 330/2, और 2 से इसको कट करते हो 1, अगेन ये हो जाएगा 13 6 और 15। ऐसे लिखते हो तो ये आपका गलत है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीजें पता है ना, बट बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं अभी भी कंफ्यूज होते हैं कैसे करेंगे इस टाइप का अगर क्वेश्चन है और यहाँ पे बीच में आपका या तो प्लस साइन हो या तो माइनस साइन हो। एट फर्स्ट आप इस दोनों नंबर को ऐड कर दो, ठीक है, तो 300 और 500 825 हो जाएगा। अब इसको आप 200 से कर दो डिवाइड। कैसे करेंगे 25 का टेबल में 25 8000 कितना होता है 200 है ना, यहाँ पे करो 25 3000 75 5 और 2 7 33। तो ये कितना हो जाएगा 33/8 होगा इसका आंसर, 33/8 होगा। ये आपका करेक्ट स्टेप होगा और ये रॉन्ग स्टेप है। क्लियर है? आगे बहुत सारा अच्छा अच्छा स्टेप है ना। देखो ये सब स्टेप को ढूंढने में बहुत एफर्ट लगता है ना, बहुत टाइम लगता है, तो आप लोग वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर किया करो, ठीक है, और लाइक भी किया करो। चलो सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड में आप देखो कि आपको दिख रहा होगा कुछ मल्टीप्लीकेशन से, बट बीच में आपको एक प्लस का साइन दिख रहा होगा। ये जो प्लस का साइन बीच में है यही आपको डिस्टर्ब कर रहा है, मीन्स कि अब ये टर्म को सेपरेट कर दिया, इधर का टर्म अलग है और ये अलग, मीन्स बंटवारा कर दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर वाले नंबर से इधर कट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे कट करते हो बिना इस प्लस को देखे तो आपका गलत हो जाएगा। अगर आप ऐसे भी कट करते हो गलत हो जाएगा, ठीक है। सही कैसे करेंगे, सिंपली जैसे ही आपको कहीं प्लस दिखे मतलब वो बंटवारा हो चुका है, वो अलग है ये अलग है, तो आप इधर वाले नंबर को इधर से कट करो। 7 × 11 कितना हो जाएगा, इधर कट ही नहीं हो रहा, स्टूडेंट यहीं पे मिस्टेक करते हैं। इधर का अलग अपना मल्टीप्लाई कर दो अगर कट नहीं हो रहा है तो, राइट साइड अलग कर दो, बीच में प्लस है, 3 × 10 = 30 और 2 × 7 = 14 4 × 1 7 × 2 = 14 = 15। ये आ गया। अब आपको 15 और 154 का क्या लेना होगा, एलसीएम। तो अब इसके आगे तो आपको पता है कि एलसीएम लेकर के सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पे आगे अब प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा जो कि ये यूजफुल नहीं है यहाँ पे जब अभी हम स्टेप बता रहे हैं, ठीक है। कुछ वैसा रहेगा जहाँ पे लगेगा कि हमको बताना चाहिए, हम बताते चलेंगे। यहाँ देखो, यहाँ पे भी अगेन आपको दिख रहा होगा, देखो स्टूडेंट क्या करता है ना, पूरे चीजों पर फोकस नहीं करता और गलत करता है। जैसे वो यहां पे क्या देखेंगे कि हाँ 5 मल्टीप्लाई में है कट कर दो, ये मल्टीप्लाई में है 6 × 2 = 12 इसको कट कर दो, ये भी मल्टीप्लाई में है 3 × 4 = 4 कट कर दो, बट वो इसको देख ही नहीं रहे, एक बगल में प्लस है और वो प्लस आपको ये सब चीजों को करने के लिए रोकेगा। अगर आप ऐसे कट करके आंसर लिख दो 4 × 2 = 8 + 1 = 9 तो ये आपका डिजास्टर है, ऐसा आप कर ही नहीं सकते। कैसे करेंगे ध्यान से देखना, आपको ये सारे नंबर को करना होगा मल्टीप्लाई, उसमें करना होगा 1 ऐड, उसके बाद आप कट कर सकते हो। देखो मल्टीप्लाई करके 12 × 12 कितना होता है, ऐसा करो 12 × 5 = 60 × 12 + 1, और नीचे मल्टीप्लाई नहीं करते, नीचे का हम लोग को जरूरत नहीं है, ठीक है, नीचे एज इट इज हम लोग छोड़ दे रहे हैं। 12 × 6 = 720
प्लस वन और नीचे इतना ही है, 3, 6, 5। तो ये हो जाएगा 721 और नीचे है 3 × 6 × 5। अब अगर कट होता है तो आप कट कर सकते हो, नीचे वाला नंबर भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, वैसा कोई इशू नहीं है। बट हम ऐसा इसलिए नहीं करते हैं ना ताकि आप एक एक नंबर से क्या कर सको, कट कर सको, ठीक है। तो अब देख लेना कि ये क्या कट हो रहा है या कट नहीं हो रहा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, नहीं होगा उस सिचुएशन में आप नीचे वाला नंबर भी मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं फोर्थ स्टेप। फोर्थ भी आप आपको लगेगा कि ये तो स्टेप हमको पता चल गया है, ठीक है, बट हम सब बता देते हैं। देखो ये पूरा लाइन है, ध्यान रखना इस चीज को, और यहां पे एक प्लस है, मिडिल पे एक प्लस है। तो अब आप कट नहीं कर सकते, इसको इससे कट नहीं कर सकते, इसको इससे कट नहीं कर सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। राइट कैसे होगा, इधर देखना, जैसे ही आपको कहीं पे प्लस माइनस दिखता है ना तो हमेशा अलर्ट मोड में आ जाओ, अगर आपका मैच थोड़ा सा मतलब वीक टाइप है ना, क्योंकि वही सबसे ज्यादा गलत कराता है। इसको अलग मल्टीप्लाई करो, 6, 7 × 42, बीच में प्लस है प्लस डालो, 5, 2 × 10 अपॉन, यहां पे हम नहीं कर रहे हैं, क्लियर है। 42 प्लस 10 कितना हो गया, 52 और 2 × 7, क्लियर है यहां तक। अब कट कर देते हैं, 2 से कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 26। तो 26/7 आएगा आपका एंसर, समझ आया। तो इस टाइप से आपको करना है, ये आपका हो गया सही, है ना, ये आपका सही बना, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर। यहां पे भी आपको दिख रहा होगा ऊपर सारा मल्टीप्लाई में, ध्यान से देखो, ऊपर का नंबर सारा मल्टीप्लाई में है, बट यहां पे एक छोटा सा, ये देखो ये बेचारा, बस ये वन नहीं होता तो ये बहुत आसान होता, बट ये वन है, इसीलिए आपको अब आप ऐसा कट कर ही नहीं सकते, है ना, ये पूरे में डिवाइड है। तो अब क्या करोगे, ऊपर वाला नंबर आप अगर सारा मल्टीप्लाई नहीं करते हो तो चल जाएगा, पहले नीचे वाला करो, है ना। तो यहां पे ऐसे मत कट करना, ऐसे मत कट करना, राइट साइड हम सही बताते हैं, ठीक है। चलो इधर देखो, करना क्या है, आपको नीचे वाले नंबर सारा मल्टीप्लाई कर दो। अब ऐसा मत कर देना कि 2 + 1 = 3, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि 2 + 1 ये कितना हो जाएगा, वो ऐसा लिखेंगे, बता रहे हैं आपको, है ना, वो इसको लिख देंगे, ऐसे 3। तो प्लस हट गया, आप तो कटआउट कर सकते हैं, ऐसा आपको भी लग रहा है क्या, ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल गलत है, आपको बोडमास रूल पता है ना, पता है, तो आप क्या कर सकते हो, बोडमास रूल को फॉलो करना होगा। पहले इसको 5 × 10, एक सेकेंड, 5 × 10 और 10 × 3 = 30 और 1, तो नीचे आ जाएगा 31। अब क्या 31, कोई भी नंबर 31 को कट कर पाएगा क्या, नहीं कट कर पाएगा, क्योंकि 31 एक प्राइम नंबर है। ऐसे सिचुएशन में ना आप क्या करो, ये सारे को भी मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 10 और ये 42, 42 + 10 = 52, तो 42 × 10, ओहो 42 × 10 420 अपॉन 31, ये होगा आपका सही आंसर। अगर वो डेसिमल्स में लाना है आप डिवाइड आगे कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट है, अच्छा ये आपको बता देते हैं कि मेरा कोर्स चलता है पेड कोर्स 5, ये मास्टर कोर्स ऑफ बेसिक मैथ्स, ये क्लासेस लाइव चलता है ना, और यहाँ पे लाइव चलता है तो यहाँ पे आप सारा डाउट भी लाइव में पूछ सकते हो, प्लस में यहाँ पे वीकली डाउट सॉल्व भी होता है जिसमें आप अपना क्वेश्चंस को व्हाट्सएप के थ्रू मेरे तक पहुँचा सकते हो, और यहाँ पे हम वीकली डाउट भी लेते हैं। कहाँ ये क्लास चलता है, आर एजुकेशन ऐप में चलता है। किसी भी टाइप का आपका कंप्लेन है इस नंबर पे, मींस किसी भी टाइप का डाउट है,
इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और अभी ये लास्ट में भी आज ये लास्ट ऑफर होगा आज दिन तक, है ना, तो आज तक आप यूज कर सकते हो 5G80 कोड, 480% डिस्काउंट। तो ये अभी आपको ऐसे फी 499 है, बट ये आपको 999 पे मिल जाएगा, बट मे बी ये आज या कल तक रहेगा, उसके बाद ये ऑफर एंड होने वाला है और कोर्स का फी इंक्रीज होकर के 1499 होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको बाय करना है तो जल्दी से बाय कर सकते हो। चलो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर। यहां पे आपको कुछ दिख रहा है क्या? देखो यहां पे देखना, ठीक है, यहां पे देखो ये सारा मल्टीप्लाई में है, ये सारा मल्टीप्लाई में, प्लस 7 है। क्या अब आपको ऐसा लग रहा है क्या कि इसको कट नहीं कर सकते? भाई देखना, ये 7 कहां पे है, हमेशा ये चीज ना आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, कि वो 7 कहां है। ये 7 इधर है, अगर ये 7 यहां होता तो आप कट नहीं कर सकते, बट ये 7 कहां था, ये 7 था आगे, यहां पे है ये 7, इसलिए आप इसको कट कर सकते हो क्योंकि वो अलग है, प्लस उसको क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, वो टर्म अलग है, क्लियर है। तो अब इधर आप आराम से कट कर सकते हो 7 2014, ये देख लेना, इधर कहीं पे प्लस नहीं होना चाहिए, नहीं है कहीं पे, 5 से 5, 2 से 2 और 3 से 2, 2 से 2, तो इधर कितना बच गया, 2 प्लस 7 9, अच्छा इधर ही सही से हम बता दिए, ठीक है, तो यहीं पे आप, हम आपको करेक्ट बता दिए, ठीक है, तो उधर नहीं बता रहे इस बार, करेक्ट यहीं पे बता दिए, समझ गए ना, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट है 7 नंबर। 7 नंबर को ध्यान से देखो, और ना आप लोग एक काम और किया करो, वीडियो पॉज करके ना पहले खुद से कटआउट करने का ट्राई करो, देखो कि आप कैसे सोचते हो, क्या आप सही सोच रहे हो या गलत सोच रहे हो, ठीक है। यहां देखो, यहां पे आपको दिख रहा हो कि यहां पे एक प्लस है और यहां पे भी प्लस है, ये प्लस साइन आपको क्या इंडिकेट कर रहा है वो देखना ध्यान से, ये प्लस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि आप इसको कट नहीं कर सकते, अगर आप ऐसा करते हो तो गलत है। इधर कम चांस है कट करने का, बट कोई कोई स्टूडेंट होते हैं कि 5 4 20 इधर भी कट कर देते हैं, बट मोस्टली लोग नहीं करते, बट मोस्टली लोग ये चीजें कर देते हैं 5 6 30, है ना, वो केवल इस साइन को देखते हैं कि हाँ मल्टीप्लाई में है, नहीं आपको इस लाइन के ऊपर सारा साइन देखना होगा कि वो प्लस में है या माइनस में है, क्लियर है। चलो तो यहां पे ऐसे करते हो तो गलत है, सही क्या है देखो, यहां पे आपको मल्टीप्लाई का साइन दिख रहा है और यहां पे प्लस का, ठीक है, और यहां पे एक लाइन है ऐसा, तो इस लाइन के ऊपर क्या है उससे हमको मतलब नहीं है, बट यहां पे मल्टीप्लाई, देखो ये लाइन कंप्लीट नहीं है, लाइन के यहां पे, तो आप इसको 5 3 कट कर सकते हो, क्लियर है। अब एक चीज और ध्यान रखना है आपको, ये जब आप 3 यहां पे लिखोगे, ठीक है, तो यहां पे ध्यान क्या रखना है कि इसको ऐसे नहीं लिख देना है 3 × 8 + 2 × 30 + 20, अगर आप ऐसे लिख दिए तो फिर गलत हो जाएगा, ध्यान रखना ऐसे नहीं लिखना है कट करने के बाद, कैसे लिखना है वो बता रहे हैं अभी हम, है ना। आप ऐसे कट कर लिए तो 3 को साइड में ही रखना है अलग से, और इनटू ये सारा नंबर को ऊपर ही रखना है, इधर 8 + 2 + 30 और ये 20 को आप प्लस कर सकते हो क्योंकि ये प्लस में है। पहले आप इसको पूरा सॉल्व करो, क्लियर है, सॉल्व करने के बाद प्लस को साइड रख करके इसको पहले सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद इसको इस 3 से मल्टीप्लाई करो पूरा ऐसे 30 × 2 60 + 8 × 3 + 20 68 × 3 + 20, फिर यहां पे मल्टीप्लाई करो 6 3 180 + 6 8 3 24, ये 204 होगा शायद, चेक कर लेना, और इनटू 20, इसको नहीं प्लस है, तो ये हो जाएगा 224,
ऐसे आपको करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, 8 नंबर है ना। बहुत गर्मी है यार, चलो देखो कोई नहीं, यहां पे आ जाओ। ये है इनकरेक्ट और ये है करेक्ट स्टेप। यहां पे अगर आप देखोगे तो एक चीज देखना कि ये है ब्रैकेट और यहां पे स्क्वायर डाला हुआ है। जब भी स्क्वायर डाला हुआ होता है ना तो हम लोग ऐसे कट नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले क्या करना होगा, स्क्वायर को ब्रेक करना होगा। अब कैसे ब्रेक करेंगे ध्यान से देखना, ठीक है। इनटू अपर वाला नंबर जो है उसको अभी एज इट इज लिख रहे हैं और उसका स्क्वायर ना अलग कर दिए, और ये स्क्वायर 5 में भी आएगा तो इसका स्क्वायर अलग कर दिए और 5 का स्क्वायर 25 लिख दिए, और यहाँ पे ये 25 था। अब देखो ये लाइन यहीं पे एंड हो रहा है तो ये आप 25 25 कट कर सकते हो, ठीक है। और इसको आप सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, पहले अंदर के नंबर को सारा सॉल्व करोगे और फिर उसका स्क्वायर करोगे। क्लियर समझ में आया? तो इसमें भी हम सही यहीं पे बता दिए आपको, है ना, इसी जगह पे हम आपको करेक्ट स्टेप बता चुके हैं। समझ में आ गया ना, ठीक है। चलो तो इधर हम लोग नहीं बनाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कुछ कुछ जगह पे जहां पे हमको यहीं पे आपको बता देते हैं। ये वाला देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मे भी बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि किसको कट करे किसको कट नहीं करे। ध्यान से देखना, ठीक है, चीजों को समझना ध्यान से। देखो ये लाइन समझो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो कहां तक है। अभी आप इसको हेड टू हेड कट कर सकते हो, ऊपर नीचे कहीं पे भी वैसा नंबर हो आप कट कर सकते हो इसको हेड टू हेड। क्लियर है क्या? इस 6 और 11 अगर कटने वाला नंबर होता तो कट कर सकते थे, कट कर सकते हैं। कौन सा नंबर कट नहीं कर सकते वो ध्यान से देखना। ये जो नीचे वाला नंबर आपको दिख रहा है जहां पे प्लस वगैरह है उस नंबर को आप कट नहीं कर सकते, बाकी नंबर्स आप कट कर सकते हो। तो कौन कौन सा कट नहीं होगा हम बता देते हैं, यहीं पे हम सही बता दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे गलत कैसे करते, चलो पहले बता देते हैं यहाँ पे गलत कैसे होता। अगर आप ऐसे कट करते 3 5 15 या फिर और मीन्स इस टाइप से अगर आप कट करते हो तो गलत हो सकता है क्योंकि यहाँ पे क्या था प्लस। चलो सही इधर ही बताते हैं ना। यहाँ देखना ये जो जहां पे प्लस है उसको आप बॉक्स बना दो, यहाँ पे भी एक प्लस माइनस साइन है, यहाँ पे भी। ये दो बॉक्स को छोड़ करके आप नोटिस करना कि यहाँ पे सारा मल्टीप्लाई से कनेक्टेड हो, सारा मल्टीप्लाई से कनेक्टेड है। अब आप किसी भी नंबर को कट कर सकते हो केवल ये दोनों बॉक्स वाले छोड़ करके। मीन्स कैसे वो देखना, इस 3 से इसको कट कर सकते हो 2 टाइम्स में, है ना, इससे इसको कट कर सकते हो, 11 से 11 को कट कर सकते हो, और अगर ये 15 भी कट होता तो हम लोग कट कर लेते केवल बॉक्स वाले को छोड़ करके। बचा क्या नंबर ऊपर, 15, केवल 15 बचा। नीचे अपॉन में 2 डाल दो। आप सोचोगे ये दोनों नंबर कहाँ लिखेंगे, इस दोनों नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 7 और प्लस 1 प्लस नहीं इंटू इंटू 1 अपॉन 22 माइनस 2, तो ये 20 हो जाएगा। और अब अगर वो 20 हो चुका है ना तो आप अगेन देखना, ठीक है। इसको अभी छोड़ लेते हैं हम लोग क्योंकि यहां से प्लस नहीं हटा है, तो आप इसको अगेन कट कर सकते हो 5 4 जार 5 3 जार, ठीक है। अब देखो ये आ चुका है 3 अपॉन 2 और यहाँ पे ये चीजें बचा हुआ है, अब इसको भी कर लेते हैं 3 2 जार 6 प्लस 7 13। अब ये भी कट हो सकता है बट कट नहीं हो रहा है इसलिए हम लोग सॉल्व कर देंगे 3 इंटू 1 3 और 13 2 जार 26। ऐसे होता है कैलकुलेशंस, अगर आपके पास कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस आता है तो। चलो आगे करते हैं हम लोग 10 नंबर, ठीक है। ये है 10 नंबर, यहां पे भी आपको कुछ दिख रहा होगा अजीब टाइप, ठीक है। देखो इसको आपको यहां पे माइनस साइन दिख रहा है और यहां पे मल्टीप्लाई, यहां पे प्लस, आपको पता चल रहा है किसको कट करें ना करें, यहां पे प्लस। चीजें आपका क्लियर होना चाहिए कि
कि कौन सा कट कर सकते हैं कौन सा कट नहीं कर सकते, तभी तो आप कट करोगे। आप कंफ्यूज में रहोगे कि फाइव से इसको तो पता चल गया नहीं कट करेंगे, इसको कट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे कट नहीं कर सकते, ये तो पता है आपको, ठीक है। इससे ये भी नहीं कट कर सकते क्योंकि यहाँ पे माइनस है। क्या इसको कट कर सकते हैं क्या, अभी देखते हैं। इधर करेक्ट वाले स्टेप में देखो, यहाँ माइनस है, यहाँ इंटू है, यहाँ क्या है प्लस, प्लस है और ये लाइन यहीं तक एंड है, तो उसको समझो वो अलग है, वो सेपरेट है, उसको अलग कर दो, वो अपना अलग है, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो ये भी समझो कि ये अलग है, ठीक है। ये टर्म अलग है, वो टर्म अलग है, बीच वाला टर्म एक है। अब बीच वाले टर्म में भी यहाँ पे इंटू है, तो आप 5 4 20 कट कर सकते हो, इस पे ऊपर कुछ भी हो, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करोगे वो ध्यान से देखना। आगे यहाँ तक तो पता चल गया कि आप 5 4 20 कट करोगे। अब ऐसा मत कर देना कि 4 + 5 9, बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पे मिस्टेक करते हैं, 20 + 5 लिख देंगे 25 और 5 से कट कर देंगे, वो सब मिस्टेक मत करना। पहले मल्टीप्लीकेशन है तो पहले उसका बड़ा वैल्यू है, वो ज्यादा वैल्यूबल है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गया कि इसको हम लोग कट कर लेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। 50 - 60 और 100, 160 मल्टीप्लाई बाय 4 + 5, इसको सॉल्व करो। 64 640 + 5 50। देखो ये 5 प्लस में है और ये 50 भी प्लस में है, तो प्लस में कितना आ जाएगा, 55 - 640, सब्ट्रैक्ट करो 585 आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और बड़ा डिजिट का साइन लगा देना पड़ेगा, माइनस -580। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अगेन ये 10 स्टेप। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, है ना। और थर्ड पार्ट भी आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा, हर दिन अभी आपको कंटिन्यूअस मिलता रहेगा ये वीडियो, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपना बेसिक मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सको। बट आप लोग एक काम करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करना और कमेंट कुछ ना कुछ करके बताओ, ठीक है। जो भी आपको फील हो रहा है ना वीडियो देखने के बाद, वो कमेंट करो, अच्छा लग रहा है अच्छा लिखो, खराब लग रहा है तो खराब लिखो, है ना, जिसमें हम उसमें और भी इम्प्रूवमेंट कर सकें। चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।